हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे क्लास 7 की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है। अ फिगर विद अ थ्री लाइन इज अ ट्रायंगल। कोई भी ऐसी फिगर जिसकी थ्री लाइन है, थ्री लाइन से जो ड्रॉ हो रहा है वो क्या होता है? ट्रायंगल। ओके, जो थ्री लाइन सेगमेंट होती हैं जो जॉइन होती हैं, ये थ्री लाइन सेगमेंट जो जॉइन हो रही है वो ट्रायंगल होती है। इट कैन बी डिफरेंट शेप। ये कैसे भी शेप में हो सकता है। देखो ये भी ट्रायंगल है, सॉरी मैं फ्री हैंड से वो बना रही हूँ। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो दीज आर ऑल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे भी शेप हो सकती है अगर थ्री लाइन जो हैं ज्वाइन होके, थ्री लाइन सेगमेंट ज्वाइन होके अगर एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या है? ट्रायंगल है। देखो अब जैसे ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी, ए बी सी कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एक ये वाली लाइन है जिसको हम बोलेंगे ए बी। ये इसकी थ्री साइड है, एक ये वाली है जो है बी सी और एक ये वाली लाइन है जो है ए सी। ओके, ये हमारी क्या है? थ्री लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो ट्रायंगल होता है उसके क्या होते हैं? एक तो साइड्स होती हैं। ट्रायंगल के अंदर क्या होती हैं? दो चीज़ होती हैं, साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं। देखो यहाँ पर कोई एंगल होगा, यहाँ पर कोई एंगल होगा, यहाँ पर कोई एंगल होगा। साइड्स आपको मैंने बता दी है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी होगा, बी पे कोई 60 का होगा, सी पे 70 का होगा, कुछ भी होगा, ये सारे कॉर्नर्स पे एंगल होंगे। तो ट्रायंगल के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं कि इसकी साइड्स होती हैं और इसके एंगल्स होते हैं। यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। वी कैन ऑल्सो रिटर्न दिस कि हमारा जो ये एंगल है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, क्योंकि जो भी एंगल होता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं। अब बी का कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, तो जो एंगल बी है वो कौन सा है? सेंटर में है। तो अगर कभी आपको ये होगा तो जो भी सेंटर में है समझो उसके उस एंगल के बारे में पूछा गया है। और सी है तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी बी या ए बी सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे वर्टिसेस पे होते हैं। इरेज कर देती हूँ, ये हमारी फिगर है। अब वर्टिसेस आपको पता होगा क्या होती है। देखो एक पॉइंट पे ये वर्टेक्स है हमारी, यहाँ से क्या हो रही हैं, दो आर्म्स निकल रही हैं इस ट्रायंगल की। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन वाला बना देती हूँ। देखो ये हमारी फिगर है, ये क्या है, इसकी वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से क्या हो रहा है, दो लाइन हमारी आर्म्स जो हैं ये यहाँ से निकल रही हैं। वो ये वर्टिसेस से जब दो लाइंस जाती हैं और उससे जब ज्वाइन होते हैं तो एक ट्रायंगल की शेप है। तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स कौन सा है? ए बी सी जो है अगर इसका ट्रायंगल का नाम है। यहाँ पर बी वर्टेक्स है, यहाँ पर ए वर्टेक्स है, यहाँ पर सी वर्टेक्स है। ठीक है, अब आपको वर्टेक्स पता लग गई, ये हमारी वर्टेक्स है। अब हम अपने सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो अगर किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, ये देखो एक कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही है, कैसे भी ड्रॉ हो रही है, किसी भी वर्टेक्स से भी ए वर्टेक्स से भी ड्रॉ हो सकती है, सी वर्टेक्स से भी ड्रॉ हो सकती है। जब कोई भी लाइन ड्रॉ होती है बी से, ठीक है, और उस क्या करती है, एक जो ट्रायंगल को है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये हमारी क्या है, अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो ये हमारा हो जाता है मीडियन, जो हम आगे बात करेंगे अब मेरे क्वेश्चंस में। तो जब कोई भी वर्टेक्स से निकली लाइन अगर किसी भी ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो हमारा मीडियन है। अगर इसका मैं नाम दे दूँ डी, तो हमारा क्या है, डी क्या है हमारा, मीडियन है। मीडियन क्यों? क्योंकि इसने इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैं फिगर ऐसे बनाती हूँ और मैं सेंटर से ऐसे करती हूँ, ए बी सी, ये डी है हमारा,
अगर ये अगर डी हमारा क्या है, मीडियन पॉइंट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कैसे भी ट्रायंगल हो सकता है, कैसा भी शेप का ट्रायंगल हो सकता है। अगर एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकल के एक ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये और ये दोनों पार्ट अगर इक्वल हैं तो ये हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है बच्चे, ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, मतलब अगर जो हमारा मीडियन है, देखो ये जो हमारा मीडियन है, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो भी होगा ये पूरी लाइन लिखेंगे, जैसे बी और डी क्या है, ये जो है किस पे, ये किसका मीडियन है, ए और सी का, ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे बन रहा है, तो ए और सी का मीडियन क्या है हमारे पास, बी, बी डी हमारा मीडियन है। अगर ऐसी इस ट्रायंगल में बात कर रही हूँ, ए डी, ये बी और सी है, तो ए डी क्या है, ए डी मीडियन है किसका, बी सी का, ठीक है, ये मैं, ये हमारा क्या हो गया, इस ट्रायंगल का मीडियन है जो इस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं हम अपने एल्टीट्यूड, आपने नाम सुना होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। देखो मीडियन मैंने आपको बता दिया, मीडियन क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल किसी भी शेप में है, ठीक है, अगर किसी वर्टेक्स से वो लाइन निकल रही है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को, तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ए बी हमारी है इसमें मीडियन हो गई। बट एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि ये जैसे फिगर है, ठीक है, यहाँ से इस वर्टेक्स से लाइन निकली है, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये देखो स्मॉल पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है हमारा, तो आप इसको मीडियन नहीं बोलेंगे, ये क्या है, अगर कोई भी लाइन वर्टेक्स से निकल के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, ये देखो एंगल आपका छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का आप मीनिंग समझ गए होंगे, जब कोई लाइन, अगर मैंने ये फिगर दी है, देखो ये मेरा ट्रायंगल है, छोटा सा मैं बना रही हूँ, और सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ये यहाँ पे क्या है, ये एल्टीट्यूड है, अगर मैं इसका नाम दे रही हूँ पी क्यू आर, और इसको नाम दे दिया एस, तो पी एस क्या है हमारा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्यों है, क्योंकि इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जब हमारी कोई लाइन वर्टेक्स से निकल के परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या होती है, हमारी एल्टीट्यूड होती है। और मीडियन क्या होता है, जब वो इक्वल पार्ट्स, अगर ये लाइन यहाँ से निकल के ऐसे होती तो ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल जो है इक्वल होते, तो ये हमारी मीडियन होती, अगर ये एस यहाँ होता तो पी एस हमारा क्या होता, मीडियन होता। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे रखी है मुझे, तो ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझाया कि एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, पहले तो हमें ये पता करना है, फिर हमें हमारे जो सिलेबस में है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताना है। देखो जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसके जो भी इनर एंगल होंगे उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल बोलते हैं उनको, क्यों, क्योंकि वो अंदर बने हैं एंगल, ठीक है, ये सारे जैसे 1 2 मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, तो ये हमारे क्या इंटीरियर एंगल है। अगर मैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर की बात, जब हम इस एंगल को एक्सटेंड कर देते हैं, देखो हमारा बाहर भी तो कोई एंगल बन रहा होगा, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ, सपोज मैंने ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दी, यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा है, तो ये मेरा बाहर का जो एंगल होगा वो मेरा कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि वो बाहर की तरफ बन रहा है। आपको समझ आ गया कि जो अंदर एंगल बनेंगे वो इंटीरियर हैं, जो बाहर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके जो भी एंगल बनाए जा रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये नाम दे देती हूँ मैं, ए बी सी नाम दे दिया मैंने, ए को एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरा एंगल बना वो मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर मैंने बी को एक्सटेंड कर दिया, तो जो मेरा यहाँ एंगल बना वो मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर मैंने सी को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो जो यहाँ एंगल बनेगा वो मेरा
एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की आप अगर बात करें, जैसे ये हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला जो बी पे बना है एक्सटेंड करके, ये हमारा बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या होता है ये, किसके सम के इक्वल होगा, इसके अपोजिट। देखो सी के अपोजिट कौन सी आ रही है, एंगल बी और ए और बी, ये दो अपोजिट एंगल का सम होगा। यानी कि जो एंगल फोर है वो किसके इक्वल होगा, एंगल वन और एंगल टू के इक्वल होगा। एंगल वन प्लस एंगल टू, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंदर वाले जो भी एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा। सपोज मैं यहाँ पे ये बी वाला एक्सटेंड कर रही हूँ, ये वाला कोई भी एंगल है, तो ये ए पे बना है। ठीक है, ये एंगल फाइव है सपोज, तो एंगल फाइव, ये एंगल फाइव किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, बी और सी, तो ये होगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि जो अपोजिट एंगल है वो उनके दो इंटीरियर जो भी एंगल है हमारे उनके सम के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल आपको समझ आ चुका है, उसका सम जो होगा दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इससे हम, इससे क्या होगा कि अगर हमें कोई एक, अगर मान लो बाहर का कोई एंगल दिया है हमें, ठीक है, बाहर का कोई एंगल दिया तो हम उसका अंदर से एंगल निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए इक्वल इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात कर रही हूँ ए, ये अगर मान लो मुझे एंगल दिया है 100, ठीक है, और मेरे को ये एंगल दिया है 20, मुझे ए फाइंड करना है। आई हैव नो आइडिया व्हाट द एंगल ऑफ ए, मुझे नहीं पता कि एंगल ए क्या है मेरे पास, बट मुझे ये पता है कि दो एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो मुझे अगर बोला गया है कि एंगल ए फाइंड कीजिए, तो मैं क्या करूँगी, एंगल मेरा ये है, तो ये मेरा एंगल फोर इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल वन, और एंगल टू जो मेरा यहाँ पे है एंगल ए प्लस भी, तो ये हो जाएगा मेरा 100। तो मेरे एंगल ए पे कौन सा है, एक्स है, मुझे नहीं पता है, मुझे इसे फाइंड करना है, और मेरा बी पे है 20। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन बन चुकी है, मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगी, ये हो जाएगा 100, ये 20, अच्छा इधर डिफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का क्योंकि पॉजिटिव का है, तो ये मेरा एक्स का क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20 मेरा 80 आ जाएगा। तो मेरा ए क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अगर इसी के अपोजिट अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे एक्सटीरियर एंगल नहीं पता, मुझे ये एक्सटीरियर एंगल नहीं पता, बट अगर मुझे क्या कहते हैं टू, यहाँ पे मेरे को दो इंटीरियर एंगल पता है, ये 40 है, ठीक है, और ये 20 है, मुझे बाहर वाला एंगल नहीं पता, तो मैं इसको लेट कर लूँगी, मेरा जो ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है वो मेरा एक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये हो जाएगा मेरा 40 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स, ये मेरा ऐड कर दूँगी 60, तो ये हो गया 60 की क्या आ गई, एक्स की वैल्यू, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे पास अगर दो गिवन एंगल है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये आपको आगे क्वेश्चंस में करने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल से आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इक्वल, जिसमें क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसको ये है हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसकी क्या है ऑल साइड्स इक्वल होंगी। यानी कि जो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर का है, बी सी भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ए सी भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तो इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्विलेटर मतलब इक्वल, इसकी साइड्स इक्वल होंगी। कुछ भी होगा 8 सेंटीमीटर तो सारे 8 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड हमारा क्या है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। इट मीन्स
एंगल ए बी सी ऑल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलेटर में आपको समझ आ चुका होगा, बहुत सिंपल है कि हमारी साइड्स इक्वल होंगी, जो भी साइड्स होगी। अगर आपको बोला गया है कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाना है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, और वो क्या आपको बोला गया है कि 70 डिग्री के होना चाहिए, तो आपको ये खुद बताना है 8 सेंटीमीटर, आपको सब खुद ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, या तो आपको एंगल दिया होगा या साइड दी होगी, तो आप ये सारे तीनों साइड 8 8 करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको बोला होगा 70 डिग्री, अगर एक इक्विलेटर ट्रायंगल आपको बनाना है, तो आप 70 डिग्री मेज़र करके यहाँ से 70 डिग्री, यहाँ से 70 डिग्री, यहाँ से 70 डिग्री, ये आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हमारे आइसोलेट ट्रायंगल के बारे में, कि दो टाइप के हमारे पास ट्रायंगल है। हमने इक्विलेटर ट्रायंगल की बात कर चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं आइसोलेट ट्रायंगल के बारे में। आइसोलेट ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। इसमें क्या होता है कि हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसकी दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है, दो एंगल इक्वल होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे थ्री एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो इक्विलेटर ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल होता है, साइड्स भी इक्वल होती है, एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर दो साइड को हम सम करते हैं, तो उसका सम क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर यहाँ एंगल की बात करें, अगर दो एंगल का सम करते हैं, तो यहाँ पे तीसरे एंगल से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये अब हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसमें चलेंगे, हमारे क्वेश्चंस हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस कवर अप कर देंगे, इसके बहुत इजी सा चैप्टर है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।